वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के अंदर यूनिट थर्ड के अंदर। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका मीनिंग ऑफ जस्टिस और ट्रस्ट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, जस्टिस का मीन्स होता है न्याय और ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। यदि हम सबसे पहले बात करें न्याय की, यदि न्याय होगा तभी तो हमें विश्वास, हमारा विश्वास बनेगा। तो पहले हमें समझना है कि ट्रस्ट होता क्या है और आपका जस्टिस क्या होता है। तो जस्टिस से हम शुरुआत करते हैं। जस्टिस इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यू डेफिनेट फीलिंग इन द रिलेशनशिप, देयर फुलफिलमेंट, द राइट इवेल्यूएशन ऑफ फुलफिलमेंट रिजल्टिंग द म्यूचुअल हैप्पीनेस। कि यदि आप बात करते हो ट्रस्ट की, आप बात करते हो जस्टिस की, तो आप कहीं ना कहीं ये बोलते हो कि जो फीलिंग ऑफ आपका बीइंग रिलेटेड विद अदर है तो वहाँ तो ट्रस्ट है। मतलब सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप मिल रहे हैं, उसके साथ आपको ये है कि वो आपके जैसा ही है, फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड आपको आ रही है, तो वहाँ पे क्या है, आपका ट्रस्ट है। और यदि हम जस्टिस की हम बात करें तो जस्टिस तब होगा जब हम ये देखेंगे देयर आर फोर एलिमेंट, रिकॉग्निशन ऑफ द वैल्यू होगा, वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना, वैल्यू को फुलफिल करना, वैल्यू को एवेल्यूएट करना, और तब आप म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर करेंगे। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जो म्यूचुअल हैप्पीनेस है वो हमारे जो जस्टिस की फीलिंग जो है वो कैसे हमारे अंदर आएगी, हमसे हमारी फैमिली के अंदर आएगी और हमारी फैमिली से वर्ल्ड फैमिली के अंदर जाएगी। और जो जस्टिस की अंडरस्टैंडिंग है ये हमें हेल्प करती है कि कैसे हम सोसाइटी के अंदर अदर पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इफ़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जस्टिस इज एंश्योर इन फैमिली, देयर विल बी जस्टिस इन ऑल इंटरेक्शन वी हैव इन द वर्ल्ड एट ए लार्ज। जो बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि यदि जस्टिस है तो फैमिली के अंदर भी होगा और वर्ल्ड फैमिली तक वो पहुँचेगा। तो यदि हम बात करें कि यदि कोई पर्सन है, इफ़ वी आर गवर्न बाय आवर प्रीटी प्रिजुडिशियस कंडीशनिंग, कि हम पहले हुई मान्यताओं पर हम चल रहे हैं, वी मे ट्रीट पीपल एज हाई और लो बेस्ड ऑन देयर बॉडी, कास्ट, सेक्स, रेस एंड ट्राइब, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ वन पोजेस और द बिलीफ सिस्टम दैट वन फॉलो। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जस्टिस नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि सामने वाला आपका वेल्दी है, ठीक है ना, वो कास्ट के बेस पर सुपीरियर है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसका एक बिलीफ सिस्टम बना के चलते हैं जो हमें लगता है कि जो बेटर है उसके साथ हम चलते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जस्टिस की फीलिंग होती है वो ये होती है कि आपको बिना किसी बेसिस पर आपको किसी भी पर्सन के साथ आपको ऑन द बेसिस ऑफ देयर सुपीरियरिटी आप उसको साथ दे रहे हैं तो वो चीज़ क्या है, गलत है, ये इनजस्टिस है, जस्टिस नहीं है। ऑल ऑफ दिस सोर्स ऑफ इनजस्टिस लीड टू फ्रेगमेंटेड सोसाइटी। और यदि आप बात करोगे इस तरीके से कि आप इनजस्टिस की फीलिंग रखोगे तो फिर सोसाइटी के अंदर वो जो फीलिंग आई जस्टिस की जो लैक रहेगी वो हमेशा जो गैप है वो बढ़ता ही चला जाएगा। आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर इज़ दैट, कि वी ऑल ह्यूमन वांट इन ए हारमोनी, हम सब हारमोनी में रहना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली को हारमोनी में रखना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को हारमोनी में रखना चाहते हैं। तो हमारी चाहना तो है हारमोनी में रहने के लिए, लेकिन जब हम इनजस्टिस करेंगे तो वो हारमोनी कैसे आएगी, तो हमारे एफर्ट भी क्या होने चाहिए, हारमोनी के लिए होने चाहिए। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि जो जस्टिस के अंदर हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास क्या है। विश्वास जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने 9 फीलिंग पढ़ी थी, टू बी एश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बींग इनहेरेंटली वांट वन सेल्फ एंड अदर टू बी हैप्पी एंड प्रोस्परस। कि हर ह्यूमन बींग एक दूसरे ह्यूमन बींग पर इस तरीके से विश्वास करे कि वो उसको खुश रखना चाहता है, जैसे वो खुद हैप्पी एंड प्रोस्पर रहना चाहता है, वो ऐसे ही वो दूसरे को रखना चाहता है। यदि हम इस तरीके से सोचते हैं तो ये हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है, हमारा एक दूसरे पर ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट जो रिलेशनशिप का एक जो है आपकी फाउंडेशन वैल्यू है। जब हम शुरुआत की थी हमने जो 9 फीलिंग के अंदर, तो ट्रस्ट को हमने फाउंडेशन वैल्यू बोला था और लव को हमने कम्प्लीट वैल्यू बोला, जो 9th फीलिंग थी। अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ट्रस्ट को जब हम और डिटेल में यदि हम देखें कि सामने वाला जो है वो मेरी तरह ही है, जो मैं चाहता हूँ वही वैसे चाह रहा है, तो उसके टू आस्पेक्ट हैं। पहला क्या है, इंटेंशन, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है ना, वांटिंग टू अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस।
फिर मैं बात करूँगा कॉम्पिटेंस की, बींग एबल टू डू, कि चाहते तो हम हैं लेकिन क्या हम वो वैसा कर भी पा रहे हैं, उस तरीके के एफर्ट हम कर पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, चाहते तो हैं हम हारमनी में रहने का लेकिन हम इनजस्टिस की फीलिंग रखते हैं, हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई रिलीजन के बेस पर है, कोई वेल्दी है उस बेस पर हम करते हैं, तो इनजस्टिस हुआ नहीं हुआ, वो इनजस्टिस हुआ तो हमें देखना है कि हमारी कॉम्पिटेंस उस तरीके की है या फिर नहीं है। तो इस पर बेस्ड एक आपका इंटेंशन का और आपका जो कॉम्पिटेंस का है उसका मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे हम ये मानते हैं कि जो लेफ्ट साइड आप देखें इंटेंशन के बारे में बोल रही है नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में, और जो राइट साइड है वो किसके बारे में बोल रही है, कॉम्पिटेंस के बारे में बोल रही है। यहाँ पे दोनों साइड चार चार क्वेश्चन है, मैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले मैं इंटेंशन की बात करूँगा अबाउट योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, कि आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। यदि आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर ट्रस्ट आता है तो मैं कहूँगा कि मुझे आपकी इंटेंशन पर डाउट नहीं करना चाहिए, आप सही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो इंटेंशन है वो मिसट्रस्ट की है, तो मुझे उस पर आपकी इंटेंशन पर डाउट करना होगा। अब इंटेंशन क्या होता है, जो हम जो कर रहे हैं और जो हम वास्तव में जो हमें दिख रहा है हमें उससे पता लगेगा। जैसे हम देखें अबाउट योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। हर पर्सन है अपने आप को खुश रखना चाहता है। आप कहेंगे येस आई वांट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, इसमें येस है, देखो टिक का। फिर आप देखें आई वांट टू मेक अदर हैप्पी, क्या आप सामने वाले को भी, अदर आई को भी खुश रखना चाहते हैं, जैसे आप सेल्फ आई को हैप्पी रखना चाहते हैं, तो आप कहते हैं येस आई वांट टू मेक द अदर हैप्पी, मैं सामने वाले को भी खुश रखना चाहता हूँ। अब हम ये देखते हैं द अदर वांट टू मेक हर सेल्फ या हिमसेल्फ हैप्पी, कि सामने वाला अपने आई को हैप्पी रखना चाहता है, तो मैं ये मानूंगा कि सामने वाला, जैसे मैं अपने आई को हैप्पी रखना चाहता हूँ, सामने वाला अपने आई को हैप्पी रखना चाहता है, तो अदर वांट टू मेक हर सेल्फ या हिमसेल्फ हैप्पी, मैं इसको भी यस मान रहा हूँ। फिर मैं देखता हूँ द अदर वांट टू मेक मी हैप्पी, कि जो सामने वाले का आई है वो क्या मुझे खुश रखना चाहता है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी क्या क्वेश्चनिंग माइंड हो जाती है। जैसे आप देखो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि मुझे सामने वाले की इंटेंशन पर क्या है, मिसट्रस्ट है, डाउट है, मुझे डाउट ऑन इंटेंशन है, कि जो अदर वांट टू मेक मी हैप्पी, कि सामने वाला मुझे खुश करना चाहता है, दुखी करना चाहता है। जैसे मैंने बात की थी कि यदि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझसे गलती से फ़ोन नहीं दिखा या फ़ोन साइलेंट था, लेकिन सामने वाले के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने उसको यदि फ़ोन किया है लेकिन सामने वाले ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो उसने जानबूझकर नहीं उठाया, जबकि ऐसा हो सकता है कि उसका भी फ़ोन साइलेंट हो, ठीक है ना, उसका भी फ़ोन हो सकता है वाइब्रेट में हो, उसको पता नहीं चला हो। तो हम ये कह रहे हैं कि अदर वांट टू मेक मी हैप्पी, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, इसका मतलब है मैं अदर वाले सामने वाले की इंटेंशन पर शक कर रहा हूँ। जैसे मैंने गिलास की बात की कि मुझसे गिलास टूटता है तो मैं सोचता हूँ गलती से हुआ है, जबकि सामने वाले ने गिलास तोड़ा है, तो मैं वर्ड भी ऐसे यूज़ कर रहा हूँ कि सामने वाले ने गिलास तोड़ा है, उससे टूटा नहीं है, उसने तोड़ा है, तो वहाँ पर मैं उसकी इंटेंशन पर डाउट कर रहा हूँ नहीं कर रहा। तो आप कहेंगे यस सर कि आपने जो दोनों एग्जाम्पल दिए उसमें ये लग रहा है कि सामने वाले की इंटेंशन पर हम डाउट कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें अबाउट योर एबिलिटी, हमें अपनी कॉम्पिटेंस, व्हाट यू आर, क्या हमें उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप देखें आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ ऑलवेज हैप्पी, कि ये बात सही है कि मैं हमेशा अपने आप को क्या रखना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ। हर कोई अपने आप को खुश रखना चाहता है पर वास्तव में रखता है ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, चाहते तो सभी हैं लेकिन कभी हम दुखी भी हो जाते हैं, हम अपने प्रयासों से सुखी नहीं हो पाते। आई एम एबल टू मेक अदर ऑलवेज हैप्पी, कि मैं सामने वाले को भी खुश रखना चाहता हूँ और वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि मेरे प्रयासों से वो सुखी नहीं हो, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। द अदर इज़ एबल टू मेक हर सेल्फ या हिमसेल्फ ऑलवेज हैप्पी, कि सामने वाला भी अपने आप को, अपने आई को खुश रखना चाहता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि ये नहीं हो पॉसिबल। द अदर इज़ एबल टू मेक मी ऑलवेज हैप्पी, कि सामने वाला हमेशा मुझे खुश रखना चाहता है, तो ये मैं नहीं कह सकता कि सामने वाला मुझे हमेशा खुश रखना चाहता है। तो हम ये देखें तो ये जो चीज़ें हम दूसरे वाले के लिए नहीं कह सकते तो इसको हम क्या मांग रहे हैं, मेरी योग्यता में कमी मांग रहे हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको खुश नहीं रखना चाहता है। जैसे आप देखें घर पे, आप देखें हमारी माताजी होती हैं, घर के कितने काम करने के बाद हमारे लिए हम कुछ उनको बोलते हैं वो तुरंत हमें करके देती हैं, तो हम कभी उनकी जो इंटेंशन पर डाउट थोड़ी करते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं ना कि मम्मी से ही हैं। हाँ हम क्या बोलते हैं, हमारी योग्यता में कमी है,
यस और नो? यस, ओके।